गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम के बारे में। काफ़ी लोगों को एडमिट कार्ड रिसीव नहीं हुआ है और काफ़ी लोगों को उसको डाउनलोड करते नहीं आ रहा है कि कैसे क्या डाउनलोड करें, तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। देखिए, आपको एक मेल आया होगा, ठीक है, उसी में आपका एडमिट कार्ड होगा। तो सिर्फ एडमिट कार्ड को आपको क्लिक करके प्रिंट कर लेना है, ठीक है, A4 साइज़ पेपर पे या जैसे भी क्लिक करके उसको A4 साइज़ पेपर पे आपको प्रिंट कर लेना है। पूरा का पूरा मेल प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। कैफे में चले जाना और वहाँ से उसको प्रिंट आउट ले लेना। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि जिनको एडमिट कार्ड रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनको क्या करना है। सबसे पहली बात, अगर आपने फ़ी पे नहीं किया होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये जो था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं किया होगा तो आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर आपने पे कर दिया है तो आपको क्या करना है, चलिए आगे बताता हूँ मैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले आपको आ जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, axisbank.mycat.com। जैसे इस साइट पर आओगे आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं रिसीव हुआ है तो आपको ये सब चीज़ें करना है, ठीक है। सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, जो भी आपका प्रॉब्लम है यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लीजिएगा। अगर वो प्रॉब्लम आपके कैटेगरी में नहीं है तो अदर्स का भी ऑप्शन आता है इसमें, तो अदर्स पे क्लिक करके आप अपना मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और आपको सेंड ईमेल पे टिक कर देना है, ठीक है। जैसे ये प्रोसेस कर लोगे आपको विद इन 24 आवर आपको मेल आ जाएगा उनकी तरफ से कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आपका एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, ठीक है, या आएगा या नहीं, ठीक है, ये आपको बातें बता दिया जाएगा। ओके, आपको एक काम करना है, एक और आपको काम करना है, आपको पर्सनली मैसेज करना है, ठीक है। अब पर्सनली मैसेज करने का मैं आपको ईमेल आईडी बता देता हूँ। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे पर्सनली ईमेल कर सकते हो इस ईमेल आईडी पे, preet.sharma@aspiringminds.in। इस पर आप मेल कर दीजिएगा अपना जो भी प्रॉब्लम है, आपका एडमिट कार्ड अगर रिसीव नहीं हुआ है या कुछ भी जो भी हुआ है उसको आपको मेल करना है, ठीक है। वो आपको विद इन 24 आवर आपको वेट करना ही पड़ेगा, 24 आवर आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।